Safakadl, in the controversial downtown area of Srinagar, in Jammu and Kashmir, was always an intriguing mix of traditional Kashmiri hospitality and resistance. However, no political unrest or public turmoil left any negative impact on the creativity and secularism and artistic dreams of Sahil Manzoor, a son of downtown Srinagar. Sahil Manzoor conveys intense messages and leaves a lot to our imagination through his art. Wall murals, sketches, sand art, he displays his inner struggles, inspirations, choices, and opinions through his art. The genius that he is, it takes him a matter of few seconds to fill a whole wall with colors and an intriguing message, usually about love, harmony, ideals, and coexistence. This is Sahil's story. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Sahil Manzoor, sand artist of Valley Kashmir. And as you can see, behind me is the paintings, जो कि wall murals, wall paintings कहा जाता है इनको. और ये मेरे नाम पे ही जो मैंने ये सीनरीज बनाई है, ये मेरे नाम पे है, दैट इज साहिल मंजूर, समंदर का किनारा. और रिसेंटली एक मूवी फेमस हुई थी, दैट इज KGF. तो KGF 2 ने बहुत ही जो ग्लोबल बॉक्स पर ये कमाई की थी, वो बहुत ही फेमस हो गया था. तो उसमें एक डायलॉग बाजी है कि समंदर कितना गहरा है, आके नाप ही लेते हैं. तो दैट वॉज माई स्ट्रगल. एंड एज फार एज दिस स्ट्रगल इज कंसर्न, फ्रॉम द लास्ट 5 years आई हैव एक्सपीरियंसड अ लॉट ऑफ लाइक विथ स्ट्रगलिंग डे बाई डे. आई हैव एक्सपीरियंसड अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड दैट वॉज द समंदर. एंड आई हैव गॉट वन मोर शेयर, दैट इज हम समंदर के साहिल ही सही, हमारे अंदर लहरें भी है और चट्टाने भी. लहरें तो काम आती है टकराने के ऐ साहिल, लहरें तो काम आती है टकराने के ऐ साहिल और चट्टाने सबर के. एंड आई वुड लाइक टू शेयर माय स्टोरी विद यू. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू ITV द रियल कश्मीर न्यूज़. आज मैं जिस पे स्टोरी करने जा रही हूँ वो कश्मीर के पहले सैंड आर्टिस्ट भी हैं एंड जाने माने म्यूरलिस्ट भी हैं, एंड ही इज अ मल्टी टैलेंटेड artist and his name is Sahil Manzoor. Welcome to my show Sahil, thank you so much for agreeing to do this interview. Mujhe pata hai aap bahut busy rehte ho, pehle hamare viewers ko aap apne bare mein kuch bataiye, phir hum aapke talent ke bare mein inko batayenge. You are a multi talented artist, mujhe pata hai aap dance bhi karte ho, mujhe pata hai aap painting bhi karte ho, sand painting, murals, itni sare talents aap mein kaise aaye? Is it you you know inherited from your peers or your parents or something, या मतलब आपको शौक था और आपने एक एक टैलेंट को सराया है, या पहले से ही आप में ये टैलेंट मौजूद था? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. तो जैसा कि आपने कहा कि म्यूरलिस्ट या सैंड आर्टिस्ट या जो भी आपने कहा, थैंक्स टू यू एंड अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फीलिंग ब्लेस्ड बिकॉज माई मदर एंड माई फादर दोनों स्किल्ड पर्सन है. एक पापा कारपेंट्री करते हैं और मदर आरी का काम करती है. तो आई थिंक ये जीन्स में भी हो सकता है कि ऐसा कुछ मिला हो मुझे. बट फीलिंग ब्लेस्ड दैट अल्लाह गिव मी दिस सम ग्लिम्स ऑफ आर्ट इन माय हैंड्स. एंड विद द टाइम बीइंग एक्चुअली आई सॉ अ स्ट्रगल फ्रॉम माय चाइल्डहुड. तो स्ट्रगल की वजह से और इस डाउनटाउन में कल्चरल जो हब है, जिसको कल्चरल हब कहा जाता है, शहरी खास, तो ये उसी से माना जाता है. तो बचपन से ही मैं आर्ट की तरफ तवज्जो देने लगा, तो ये इंड्यूस हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम. मैं उस वक्त 6th class में पढ़ता था जब मैंने पहला अवार्ड जीता है इसमें स्कूल में. वो मॉडल बनाया था मैंने, शिकारा बनाया था, जैसा कि हाउस बोट बनाया था, तो उसमें पहला अवार्ड मिला था मुझे. दैट वाज योर मोटिवेटिंग फैक्टर, वहां से फिर आपने आर्ट की तरफ तवज्जो दी. एग्जैक्टली. तो उसके बाद मैंने 10th में, जब मैं 9th-10th में पढ़ रहा था, तो मैंने पोर्ट्रेट्स बनाना स्टार्ट किया. पहले पहले तो ठीक था, बट सेल्फ टॉट होने की वजह से और घर में ना आर्ट का कोई स्कोप नहीं था. वो क्या है कि हमारी जो मेंटालिटी है पेरेंट्स की, वो होती है कि
बेटा डॉक्टर बन जा, इंजीनियर बन जा, उसके आर्ट को ज्यादा यहाँ पे अहमियत नहीं देते. उनको लगता है कि आर्ट इज नॉट समथिंग यू कैन अर्न फ्रॉम या इसमें आप. तो लाइक हाउ कुड यू, आपने पेरेंट्स को कन्विंस कैसे किया कि आर्टिस्ट बन के भी आप सुनहरा मुस्तकबिल बना सकते हैं? टेलिंग यू ऑनेस्टली, पहले पहले तो मैं कमरा बंद करके कुंडी करके आर्ट करता था. तो उसके बाद जब मैंने स्टार्ट किया मींस फील्ड में काम करना, मैं दिल्ली में था, मैंने बीटेक किया हुआ है. बीटेक करके ही मैं बीटेक मैकेनिकल ख़त्म करके ही मैं निकल गया दिल्ली की तरफ. दिल्ली में मैंने 2 साल काम किया है. बट पहले साल मैंने घर वालों को बताया ही नहीं कि आई एम नॉट वर्किंग एज एन इंजीनियर, आई एम वर्किंग एज एन आर्टिस्ट. तो मैं वहाँ पे स्ट्रीट आर्टिस्ट का काम करता था. मैंने वहाँ पे जॉब किया था बट आई एम नॉट मेंट फॉर दैट जॉब, इंजीनियरिंग जॉब एंड ऑल दैट. तो वो मैंने छोड़ दिया, आई लेफ्ट दैट. बट इट इज बहुत ही कमेंडेबल चीज है दोस्तों कि एक यूथ ने ये डिसाइड किया कि एक सिक्योर इंजीनियरिंग जॉब की तरफ जाने से अच्छा है कि मैं अपने टैलेंट को और ब्लॉसम करूँ, उसको और तवज्जो दूं, उसको और डेवलप करूं और उसी में मैं काम करूं. तो ये बहुत ही ब्रेव चीज़ है जो कश्मीरी सोसाइटी में ज़्यादा देखा नहीं जाता, बिकॉज मोस्टली पीपल ग्रेविटेट टुवर्ड्स द सेम ओल्ड इंजीनियरिंग जॉब. डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, के एस ऑफिसर, आई एस ऑफिसर बन. बट उनके अंदर जो हिडन टैलेंट्स होते हैं उसको वो लोग दे डोंट ट्राई टू यू नो डेवलप दैट. तो ऐसे लोगों के लिए आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे? एक्चुअली आप अपने पीछे एक पेंटिंग देख रहे हैं जी. इसमें लिखा है वॉइस ऑफ सीरियस. सो ये अगर देखा जाए कि लोग अभी पैदा नहीं हुए होते, वो सिक्योरिटी ढूंढते हैं, सिक्योर होने की कोशिश करते हैं. तो उससे क्या होता है कि इंसान पहले ही मर चुका होता है, वो अपनी जिंदगी में कुछ कर नहीं पाता. That's very deep coming from a young guy. Yeah, exactly. वो पहले ही सोचता है कि कल को बड़ा हो जाऊंगा मैं, उसके बाद डॉक्टर बनूंगा, उसके बाद काम करूंगा, उसके बाद शादी कर लूंगा, उसके बाद बूढ़ा हो जाऊंगा, इतना सोच के रखता है. बट मैं वैसा नहीं सोचता, मेरी सोच कुछ अलग है. मैं सोचता हूँ कि आज का जो डे है वो अगले दिन जो हो वो नहीं हो. अच्छा. तो उसका अलग अलग कुछ आउटकम निकलना चाहिए. दैट्स व्हाई आई चोज दिस फील्ड. और पहले टाइम पे क्या होता था कि स्ट्रगल में बहुत ही लाइक दर्द था. हाँ. उसके बाद उसी स्ट्रगल में बहुत सारा मजा आने लगा. ओके. जब आप स्ट्रगल में फन देखते हैं ना. हाँ. तो आपको कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती. तो इससे मुझे एक चीज याद आई, जैसे हमने रॉकस्टार मूवी में भी देखा था ना, वेर रणबीर कपूर वॉज ट्राइंग टू बिकम अ सिंगर. फिर उन्होंने, उन्हें भी किसी ने ऐसे सजेस्ट किया, पहले तो अपने अंदर दर्द ला. तो आप भी उसी दर्द की बात कर रहे हो. तो खैर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा बीता होगा जिसने आपको वो दर्द आपके अंदर लाया होगा, अदरवाइज इतना टैलेंट शायद निकल के नहीं आता. तो चलिए वो आपकी पर्सनल लाइफ होगी, लेकिन आप कुछ अपनी पर्सनैलिटी के बारे में हमें बताइए. लाइक जहाँ आप रहते हो, आपके फ्रेंड सर्कल, लाइफ स्टाइल, कुछ आप अपने बारे में बताइए ताकि लोगों को पता हो कि एक आर्टिस्ट एक्चुअली उसकी लाइफ स्टाइल कैसी होती है जब वो ये सब अचीव करता है और इतना टैलेंट उसके अंदर भरा होता है. हाउ डज ही बैलेंस दैट विथ हिज रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, जैसे सोशल लाइफ बोलो, फैमिली लाइफ, हाउ डज ही बैलेंस दैट विथ हिज आर्ट? एक्चुअली द थिंग इज, हमारे यहाँ कश्मीरियत माना जाता है फ्रेंडशिप, दैट इज फ्रेंडशिप. तो हम लाइक जब मैं दिल्ली में भी था वहाँ पर भी मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे. डजंट मैटर कि कोई मुसलमान है, हिंदू है, सिख है, ईसाई है, बिकॉज सेक्युलरिज्म इज समथिंग एल्स. तो वहाँ पे मैंने स्टार्ट किया मेकिंग फ्रेंड्स. बट मेरा क्या है कि मैं एक जगह मींस फ्रेंडशिप निभा नहीं पाता. मुझे लगता है मैं बदनसीब हूँ उस हिसाब से. आप क्या सोचते होंगे, बट मैं क्या हूँ कि मैं हर किसी को इक्वली ट्रीट करना चाहता हूँ. मेरे सब फ्रेंड्स हैं, आई एम काइंड टू एवरीवन. तो मैंने आज तक ज्यादा फ्रेंड्स बनाए नहीं, या तो मेरे फ्रेंड्स बने नहीं. तो maybe आपको आर्ट के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता होगा, विच इज वाई, बिकॉज फ्रेंड्स ऑल्सो दे डिमांड टाइम फ्रॉम अस, यू नो, दे वॉन्ट टाइम एंड दे गेट एंग्री इफ यू डोंट गिव देम टाइम. तो शायद आपको मत टाइम मिलता होगा उनके साथ स्पेंड करने के लिए, विच इज वाई यू डोंट हैव टू मेनी फ्रेंड्स. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. बट एज फार एज दिस फ्रेंडशिप इज कंसर्न, फ्रेंडशिप अभी जाके जो दुनिया में फ्रेंडशिप हो रही है ना, वो बस क्या है कि एक दूसरे को हड़प लो, कुछ ऐसा वैसा करो इन अ नेगेटिव वे. बट आई एम नॉट गोइंग इन अ नेगेटिव वे. आई एम टेलिंग यू पॉजिटिवली दैट बी काइंड टू एवरीवन. सिंपली ट्रीट
पीपल इक्वली, तो फ्रेंडशिप भी खुद ही हो जाएगी और वो सब खुश रहेंगे. मेरे जो फ्रेंड सर्कल है, जो कॉलेज लाइफ में मेरे फ्रेंड सर्कल थे, और मेरा ये है कि मैं हमेशा स्माइल करता हूँ बिकॉज इट्स सुनना, तो हमेशा स्माइल करते रहना चाहिए. और मैं उनको भी हमेशा क्या खुश करता था, खुश रखता था हमेशा, तो वो मुझे कभी नहीं भूल पाएंगे, इतना तो कन्फर्म मैं कह सकता हूँ. बट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, आपके अंदर वो एक फैमिली को उभारने का एक फील आता है. जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि मेरे फादर कारपेंटर है, तो मुश्किली से हमारी सेविंग नहीं हुई आज तक, तो हमने जैसे हम थे वैसे ही है, लेकिन खुश है, बहुत ही खुश है. कंटेंटमेंट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट. बहुत ही खुश है. कहीं पर भी रहे आप, खुश रहे ना, मन खुश रहना चाहिए, मन खुश रहना है ना चाहिए. आपने अपनी, जब आप स्टार्टिंग में बोल रहे थे, आपने जिक्र किया कि आप इस इलाके के हैं जहां हम इस वक्त हैं आपके घर में, सफा कदल, विच इज डाउन टाउन एरिया ऑफ श्रीनगर. अब हमें पता है, कश्मीरियों को पता है कि यहाँ पे जो है एक कितना ये कल्चरल हब है, लेकिन जो कश्मीर के बाहर है उन्हें लगता है कि श्रीनगर का डाउन टाउन मतलब इट्स अ हब जहां पे रेडिकलाइजेशन होता है, इस तरह की चीजें होती है, इनको लोगों को ऐसे लगता है. लेकिन इसी डाउन टाउन से वाबस्तगी रखते हैं साहिल मंजूर, और इसी डाउनटाउन से निकल के वो सेक्युलरिज्म का मैसेज दे रहे हैं हर किसी को, आर्ट का मैसेज दे रहे हैं, जबकि डाउनटाउन को बाहर बोला जाता है कि इट्स अ रेडिकलाइज्ड एरिया, यहाँ पे आर्ट और इन सब चीज़ों को लोग ना इसको गलत नज़र से देखते हैं, इसको एक नेगेटिव नज़र से देखते हैं, बिकॉज दे हैव इस्लामिसाइज्ड इट इन अ रॉन्ग वे. इस तरह की कुछ नोशंस हैं लोगों की इन आउटसाइड कश्मीर. कैन यू टेल अस समथिंग अबाउट दिस एरिया? क्या यहाँ पे रहने से आपको किसी ने भी ताना दिया कि आप एक आर्टिस्ट हो, या किसी को भी आपके आर्ट से प्रॉब्लम है यहाँ पे? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फीलिंग ब्लेस्ड दैट आई एम फ्रॉम डाउनटाउन, पहली ही बात. दूसरी बात ये है कि कल्चरल हब इससे बड़ा कोई नहीं हो सकता. बिल्कुल. तीसरी बात, जो कश्मीरियत है ना, वो डाउनटाउन से निकल के आई है. और जो कोई भी इंसान, अगर आपने सुना भी होगा किसी इंसान से, वो जरूरी कोई पॉलिटिकल वगैरह हो, कुछ ना कुछ तो होगा ही, डेफिनेटली वो ही फैलाते हैं ऐसा कुछ. बट डाउनटाउन में ऐसा कुछ नहीं है. जो भी रेडिकलाइजेशन फैलाते हैं वो सोसाइटी में कोई एक होता है जिसको सोसाइटी से नफरत होती है, वरना अगर आप किसी भी घर में जाएंगे ना, वो एग्जिस्टेंस से नफरत होती है. हाँ, एक्चुअली अगर आप किसी भी घर में जाए ना, अभी जाके आपको कोई जानता भी नहीं है ना डाउनटाउन में, तब भी आपको बेटी की तरह पालेंगे, तब भी आपको वो मेहमान नवाजी मिलेगी जो आपको वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलेगी. हॉस्पिटैलिटी, हाँ, हॉस्पिटैलिटी वो डाउनटाउन में ऐसे ही मत बने हम वन ऑफ द हाईएस्ट, यू नो, टूरिज्म रेवेन्यू सबसे ज्यादा तो कश्मीर से ही आता है इंडिया को, तो हम ऐसे थोड़ी बने हैं. हॉस्पिटैलिटी इज इन आवर वेन्स एंड डाउनटाउन सिग्निफाइज दैट. अच्छा साहिल, अब हम कुछ ऐसी जगह पर जाएंगे जहां आपने म्यूरल्स बनाए हैं, और आप हमारे दर्शकों को फिर बताना कि आप अपने म्यूरल्स से क्या मैसेज देना चाहते हैं सोसाइटी को, कश्मीरी सोसाइटी को, एज वेल एज पूरे इंडिया में या ग्लोबली भी आप क्या मैसेज देना चाहते हैं अपने म्यूरल से. तो आइए हम उन जगहों को विजिट करते हैं जहां साहिल ने खुद अपने हाथों से, मेहनत से, धूप में खड़े होकर म्यूरल्स बनाए हैं आउटडोर लोकेशंस पे. सो दोस्तों, हम आ पहुँचे हैं बटमालू में. एक बहुत ही क्यूट सा रेस्टोरेंट है जो साहिल के फ्रेंड का है, और इन्होंने अपने फ्रेंड के लिए यहाँ पे वॉल म्यूरल बनाया है जिसमें एक मैसेज है. वैसे तो आपने कई जगहों पे वॉल म्यूरल बनाया, लेकिन हमने ये जगह चूज़ की क्योंकि इसका मैसेज कुछ स्पेशल है. हम आपको आगे वीडियो में और भी ऐसी जगहें दिखाएंगे जहाँ पे साहिल ने वॉल म्यूरल्स बनाए हैं, लेकिन साहिल ने कहा कि मेरे दोस्त का रेस्टोरेंट है तो आके चेक कर लेते हैं. एंड दोस्तों, आप लोग अगर कभी श्रीनगर आप लोगों का आना हुआ तो ज़रूर इस रेस्टोरेंट पे आना, बटमालू डीपीएल के सामने. इट इज़ अ रेस्टोरेंट, व्हाट्स द नेम ऑफ दिस रेस्टोरेंट? द हैबिट. द हैबिट. और यहाँ रोल्स बड़े अच्छे मिलते हैं. चलिए, कमिंग बैक टू साहिल्स वर्क, तो ये एक म्यूरल है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, एंड इट हैज़ अ मैसेज, हेल होली, हेल होली. दिस लुक्स लाइक हेल एंड दिस इज होली. प्लीज़ हमारे व्यूअर्स को बताइए कि इसका क्या मतलब है, इस पेंटिंग का क्या, इस म्यूरल का क्या मतलब है, मैसेज का क्या मतलब है? वेल, अबाउट दिस पेंटिंग, अबाउट दिस थीम, इट डिपिक्ट समथिंग दैट इज ट्रांजिशन ऑफ होप. बेसिकली इन एवरी वाइट देर इज ब्लैक, एंड इन एवरी ब्लैक देर इज वाइट. सो द थिंग इज, दिस डिपिक्ट्स एवरीथिंग अबाउट द ट्रांजिशन इन योर लाइफ. What you feel and what you do in your life, if you choose the white, if you choose the holy,
the God will bestow you with the heaven. And if you choose the hell, you will be bestowed with the hell. Okay. So this is the message. Two sides of the same coin kind of a message. Yeah. So exactly. Basically, हर एक चीज में, हर एक thought में और हर एक इंसान में एक ब्लैक होता है और एक वाइट होता है. और ये हम पे निर्भर करता है दोस्तों कि हम किस चीज़ को चूज़ करते हैं और कैसे अपनी लाइफ आगे बढ़ाते हैं, होली और हेल. सो आई होप कि इनका वीडियो आपको पसंद आया होगा, इनका काम आपको पसंद आया होगा. इन्होंने श्रीनगर में और भी कई जगहें जहाँ पे बहुत खूबसूरत म्यूरल्स विद मैसेजेस बनाए हैं. एंड आई होप आप सबका आशीर्वाद हमारे बडिंग म्यूरलिस्ट साहिल मंजूर पे बना रहे. कीप वॉचिंग ITV द रियल कश्मीर न्यूज़ फॉर मोर सच स्टोरीज़.